हेलो, ये थोड़ी आवाज बढ़ा के इको बढ़ाए थोड़ा सा। मनपसंद और आप सबको आए आनंद, ऐसी कोशिश रहेगी। और वाकई में ये सही बात है बिल्कुल कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी है तो हमारी गौ माँ है, क्योंकि जो इंसान उस गौ माता को पालता है वो जब तक ही पालता है जब तक गाय माता दूध देती है, उसके बाद गाय माता को रोडों पर छोड़ दिया जाता है, ट्रकों से कुचलती हमारी गौ माता चरखों में कट रही है, ये बड़े दुख की बात है मेरे भाइयों। सड़कों पर फिरती होती आज उदास, और वो गौ माता बस कन्हैया को पुकार करती है, कन्हैया आखिर ये इंसान इतना मतलबी क्यों है, जब तक मैं दूध देती हूँ तब तक प्रिय लगती हूँ और उसके बाद मेरी ये दशा होती है, कहती है। मेरे काना ओ मेरे काना, मेरे काना ये क्या हो रहा है, ए काना मेरे काना तू कहाँ सो रहा है, तेरे कलयुग में क्या हो रहा है, ला 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 ये कहते हैं, ओ मेरे काना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, हो रहा है मेरे काना का हो रहा है।
जिसको पिलाती ये मैया, रोडों पे फिरती आज वो गैया। कुत्ता ऐसी ही मैं सो रहा है, कुत्ता ऐसी ही मैं सो रहा है, तेरे कलयुग में क्या हो रहा है। मनपसंद और मनपसंद भी ऐसी भक्ति में, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन जो चल रहा है परम पूज्य कैलाश चेतन महाराज जी, जिनकी भक्ति में जुड़े हुए ये सारे भक्त हो, जितना बड़ा आयोजन करवाया ऐसी गाथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तपस्वी सबरी जा को नाम गुरु मतंग यूं कह गए तो है मिलेंगे। ये गुरु की शक्ति है जो इतना बड़ा आयोजन यहाँ चल रहा है, और गुरुदेव महाराज की कहना है कई वर्षों से माता सबरी घनघोर जंगल में प्रभु राम की इंतजार में बैठी है। प्रभु न जाने कब आकर दर्शन दोगे, सारी उम्र यह बीत रही है, कब इस भिलनी पर अपनी नजरें डालोगे। कहती है क्योंकि प्रभु हो हर पल मेरे होठों पे है, प्रभु हर पल मेरे होठों पे